होंडा सिविक है, रिबॉन्ड से कहते हैं, 2007 का मॉडल है ये। चेक इंजन लाइट आ रही है। अब चेक इंजन लाइट को डायग्नोज करने का तरीका जो है, हम OBD स्कैन करेंगे इसको। अगर आपको नहीं पता कि OBD स्कैन क्या होता है, तो ये DLC होती है, डायग्नोस्टिक्स देखने के लिए होता। तो ये डिवाइस है हमारे पास, इसके साथ ये कौन सी लॉन्च की डिवाइस है हमारे पास, इसके साथ ही जो है ये इसकी डोंगल होती है, नज़र आ रहा कुछ आ रहा है, ये डोंगल होती है इसकी, ये हम गाड़ी के अंदर प्लग करेंगे और प्लग करने के बाद हम चेक करेंगे कि मसला आ किस चीज़ का रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। डेली अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर लाइक करें। ऑलराइट, तो होंडा सिविक में यहाँ पे कहीं पे प्लग होती है, प्लग हो गई है, आवाज़ आ गई है। अब इस पर हम करेंगे ये कि इस पर हम होंडा सेलेक्ट करेंगे और ये कन्फर्म, और अब ये चेक कर रही है कौन सी, मैंने खुद ही ऑन की हुई है, वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। 16 पिन DLC है ये, तो देखते हैं क्या कहता है। ओके, इसमें जाना है हमने, स्पेशल सिस्टम सिलेक्शन में जाना है हमने। इसके अंदर हम जाएंगे PGMFI डीजल इंजन सिस्टम, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है इशू, ज़्यादातर जो चेक इंजन लाइट के आते हैं वो यही होते हैं। अच्छा जी, हमने ये रीड फॉल्ट कोड देखना है और ये हमें बता रहा है, ये जो दो करंट हैं ये बेसिकली इश्यूज हैं, एयर फ्यूल रेशो आ रहा है और H2S ऑक्सीजन सेंसर। करंट का मतलब ये है कि मेमोरी से रेज नहीं होंगे, ये मेल फंक्शन करने के बाद ये टेम्परेरी मेमोरी में नहीं है, जब तक हम इसको हल नहीं करेंगे ये मेमोरी से नहीं जाएंगे। करंट का मतलब ये होता है, टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि किसी वजह से आ गए, बेशक डस्ट था, डस्ट साफ़ हो गया, अब रिमूव करेंगे तो सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। सिंस करंट है तो इसका मतलब है कोई हार्डवेयर, कोई पार्ट मेल फंक्शन कर चुका है, वो अब हम देखेंगे कौन सा। अच्छा, अब ये जो H2S है ये ऑक्सीजन सेंसर है, और S1 का मतलब है कि ये ऊपर वाला ऑक्सीजन सेंसर है इसकी, और जो ये ऊपर आ रहा है एयर फ्यूल रेशो का आ रहा है, ये दोनों इकट्ठे ही आते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो सेंसर है ये इसको बताता है एयर फ्यूल रेशो वाले को कि हमने पीछे से पेट्रोल कितना देना है, और अगर आगे एक्सेस में अनबर्नड कार्बन आ रहे हैं, अनबर्नड फ्यूल आ रहा है, तो ये पीछे इस सेंसर के थ्रू जो है वो थ्रॉटल बॉडी को ये मैसेज कंट्रोल करवाता है कि इतना फ्यूल एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फ्यूल जो है पीछे से वो कम भेजा जाए। होपफुली ये जो सेंसर है ऑक्सीजन सेंसर का, ये क्लीन करने के बाद, मेरा ये ख्याल है कि इसका गंदा ही हुआ होगा, तो ये क्लीन करने के बाद ही हमारे दोनों मसले ख़त्म हो जाने चाहिए। अब आपको दिखाता हूँ ऑक्सीजन सेंसर होता कहाँ पर और खोलते कैसे हैं। होंडा सिविक का ये जो मॉडल है इसमें R18 इंजन आता है, और R18 के अंदर ये जो ऊपर लगा हुआ है ये ऑक्सीजन सेंसर है, S1 जो ऊपर वाला ऑक्सीजन सेंसर है, ये गंदा हुआ हुआ है मोस्ट लाइकली, जिसकी वजह से जो है ये कोड आ रहा है, तो उसको हम खोलेंगे। ये चाबी है जो ऑक्सीजन सेंसर खोलने के लिए हम लोगों ने बताई हुई है, और ये L रॉड कोई भी साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसको खोलेंगे अब। पहला स्टेप इसका जो हमने ये लॉक है ये खोल लेना है। ये चाबी को लगाने का तरीका ये है कि इसको ऐसे रखना है अंदर और ये बैठ जाएगी इस तरह, उसके बाद ये जो L रॉड है थोड़ा पीछे हो जाए, L रॉड इसमें डालना है, बंद हो गया, बैटरी टू लो, अपने मोबाइल से बना लो। अच्छा, ये इसको खोलेंगे हम, अच्छा खासा गंदा हुआ है, तो अब इसको जो है हमने पहले बाफ करेंगे, साफ करेंगे अब इसको हम। ये ऑक्सीजन सेंसर है जो आपको नज़र आ रहा है ये, और अच्छा खासा गंदा हुआ है जो कि आप देख सकते हो।
आप इसको साफ़ करते हैं। इसको साफ़ करने का तरीका ये होता है कि हमने ऑक्सीजन सेंसर जो है वो एक एसिड के अंदर डिप करना होता है। ये वो एसिड है और ये थोड़ा पीछे जाता है, ये वही एसिड है जिससे कैटलिटिक कन्वर्टर साफ़ करते हैं हम लोग। तो ये एसिड हम छोटे इसमें डालेंगे डब्बे में और फिर उसी के अंदर हम अपने ऑक्सीजन सेंसर को डाल देंगे। वो जो भी कार्बन वगैरह उसके ऊपर आया होगा वो साफ़ हो जाएगा। ये इसकी हालत देख लो, अभी तेज़ाब में डालने से पहले हम इसको तेज़ाब में डाल देंगे। अगर आप सुनो तो अच्छी खासी आवाज़ आ रही होगी इसकी, अंदर ये काम कर रहा है। अब 2 से 4 मिनट के बाद जो है इसको फिर हम निकाल लेंगे। आप देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है इसका सारा तेज़ाब का, और ये अपना काम कर रहा है। अब ये ऑक्सीजन सेंसर वैसे अगर आप लेने के लिए जाओ तो ये आपको 5-6 हज़ार रुपये का मिलेगा। सफाई कर लो तो ये 2-4-5 सौ रुपये में आप घर में भी DIY कर सकते हो और आपकी चेक इंजन लाइट जो है चली जाएगी। सो 2 से 4 मिनट इसको यहाँ पे रखूँगा मैं, उसके बाद फिर बताता हूँ क्या सीन है। अब चूँकि आपने ये खोला ही हुआ है तो ये जो नीचे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है ये कैटलिटिक कन्वर्टर है इसका। तो अगर आप ये DIY कर ही रहे हो और आपने वो एसिड की पूरी बॉटल ले भी ली है तो अगर आप चाहो तो यही बॉटल एसिड की लेके यहाँ पे अगर आप पोर कर दोगे तो आपका कैटलिटिक कन्वर्टर भी साफ़ हो जाएगा। आपने करना यह है कि आपने इसके अंदर ये डालकर तो कुछ देर के लिए छोड़ देना है इसको, इस एसिड को 15 से 20 मिनट इस एसिड को आपने भर देना है यहाँ पर, और उसके साथ जो है ये आपका कैटलिटिक कन्वर्टर भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन इस बार में ये मेक श्योर करना, ये एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। मेक श्योर ये यूजिंग ग्लव्स जब आप इसको हैंडल कर रहे हो, और मेक श्योर के जब आप इसमें डालो तो ये पीछे साइलेंसर से बाहर आता है जब इसमें भर जाता है ये इस जगह से। तो मेक श्योर कि जहाँ भी आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो वहाँ पीछे कोई जानवर कोई इंसान वहाँ पे ना हो जिसको वो एसिड लग सके। तो ये मेक श्योर करो कि जब आप ये काम करो DIY घर में तो जगह जिस जगह पे रखो वहाँ पे आप कोई चीज़ नीचे बिछा लो। एहतियात करो कि क्योंकि ये एसिड जो है ये काफ़ी पोटेंट है और ये डैमेज कर सकता है आपकी स्किन को। तो मेक श्योर यू यूजिंग ग्लव्स, मेक श्योर कि आप इसको बड़े एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो इस एसिड को। ये कैटलिटिक कन्वर्टर का एसिड कहते हैं इसको। आप घर में ये चाहो तो कर सकते हो, सिर्फ आपको ये गोटी चाहिए, ये स्पेशल गोटी होती है ये ऑक्सीजन सेंसर खोलने के लिए। ये देखो कितना साफ़ हो गया पहले और आपने कितना फ़र्क आ गया इसमें। तो होपफुली अगर इतने भी कर लेना तो हमारा ये जो कोड आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, वो कोड चला जाएगा। बट अब देखते हैं कि हमने कैटलिटिक कन्वर्टर को साफ करना है। गाड़ी पीछे लगानी है और इसको अच्छी तरह वॉश कर देना पानी से आपने, ठीक है, क्योंकि आपने इसको हैंडल करना अपने हाथ से। तो मेक श्योर कि इसको आप अच्छी तरह थोड़ा और खोल दे पानी, अगर तो फ्लोर पास है पानी के बाद फ्लोर मार लेने तो किसी ड्राई कपड़े से। ये आप देख सकते हो कितना फ़र्क है, पहले ही कितना गंदा था और अब कितना रह गया वह, ठीक है। तो गाड़ी को हम लोगों ने एक स्लोप पे लगा लिया ताकि जो सारा एसिड है वो यहाँ से होता हुआ साइलेंसर से होता हुआ बाहर निकले, खड़ा ना रहे साइलेंसर के अंदर। और अब हम इसके अंदर जो है ये एसिड डालने लगे हैं। मास्क ग्लास भी पहनना है क्योंकि फ्यूम्स उड़ते हैं। ये देखो एसिड हमने डाल दिया, हम ऑक्सीजन सेंसर जो है वापस लगा देंगे ताकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करें तो एसिड यहाँ से बाहर मत आए, अंदर ही जाए, क्योंकि हो सकता है कि एसिड इस तरफ को बाहर निकले। तो ऑक्सीजन सेंसर अब लगा देंगे हम, जो साफ़ किया था दिखाएं ज़रा, हमारा साफ सुथरा ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सेंसर ठीक हो गया सर, लगा दें। सारा यहाँ से बाहर आएगा, ये सारा जो गंद है ये सारा गंदा देख सकते हो आ रहा है यहाँ से बाहर, ये सारा वो कचरा है जो अंदर सिलेंसर के जमा हुआ हुआ था। सिलेंसर के अंदर पाइपलाइन में से होती हुई बाहर आए और उसको सफाई हो जाए अंदर से कैटलिटिक कन्वर्टर। ये वाला मैंने इसलिए दिखाया कि वो DIY जो आप घर में भी कर सकते हो अगर आप चाहो, सिर्फ एक गोटी चाहिए आपको ऑक्सीजन सेंसर खोलने वाली, अगर आपके पास वो गोटी है तो ये काम आप घर में कर सकते हो। कैटलिटिक कन्वर्टर साफ़ करने के बाद ये मेक श्योर करें कि आप एक दफ़ा एक ज़रा ड्राइव पर चले जाएँ और उस सड़क पर ड्राइव पर जाएँ जहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक ना हो,
उस तरफ हो जा, क्योंकि इसने अभी भी जो है वो कुछ फ्यूम्स और कुछ एसिड फेंकना है। तो उस सड़क पर जाएं कि जहाँ पे ज़्यादा लोग पैदल ना चल रहे हों। कुछ ऑनलाइन आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं कुछ गराजेस की, जो 5,000-5,000 रुपये 10,000 रुपये लेकर तो ये क्लेम करते हैं कि अभी गाड़ी की पिक बढ़ जाएगी, हमारे पास से आके ये वाला काम करवा लें, वो काम करा लें। एक्चुअली ये सब ने ये ही काम करना होता है, ये कैटलिटिक कन्वर्टर सॉल्व करना होता है, और उसकी वजह से आपकी पिक अच्छी खासी वैसी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली आगे से जो ब्लॉकेज थी सिलेंसर पाइपलाइन के अंदर वो खुल गई है, तो अब किसी किस्म की चीज़ रोक नहीं रही इंजन को पावर थ्रस्ट बाहर देने से। तो बजाय 5,000-10,000 रुपये खर्चने के इन गैरेजेस पे, आप घर में भी अगर ये काम कर लेते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, अगेन अगर आप एमेचर हैं, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो घर में प्लीज़ मत खोलें, किसी भी एक मैकेनिक के पास ले जाएं, ये इतना एक्सपेंसिव काम नहीं है। अगर आप ये काम करवा लेते हैं तो आपकी गाड़ी की जो पिक है वो अच्छी खासी वैसे ही बढ़ जाएगी। सो एनी हाउ दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू कारिस्तानिया। इस तरह की और छोटी छोटी वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। अगली वीडियो के तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। डेली अपडेट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज ज़रूर लाइक करें। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें, ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकें।